नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे नंबर 44 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक स्विफ्ट गाड़ी बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुए, खड़े हुए ट्रक के अंदर आकर लग जाती है गाड़ी। फिलहाल जो ड्राइवर हैं यमुनानगर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, सुरक्षित है, लेकिन गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और बताया जा रहा है कि जो सामने ट्रक खड़ा हुआ था बिल्कुल रोड के ऊपर, उसके अंदर खड़े ट्रक के अंदर लगने से ये हादसा हुआ, क्योंकि दूर से ये दिखाई नहीं दिया कि जो ट्रक है वो खड़ा हुआ है, जो उसके डिप्पर से वो नहीं चल रहे थे। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। किस तरह से नेशनल हाईवे पर लगातार रोज़ाना जो हादसे हैं, हादसों की संख्या है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नियम है, ट्रैफिक नियम है, उनका जो पालन है खासकर बड़े वाहन वाले करते नहीं। आप देख सकते हैं कि सामने जो ये ट्रक जा रहा है, ये उस लेन में जा रहा है जहां से गाड़ियों की पासिंग की जाती है, जहां से गाड़ियों को पास किया जाता है। और फिलहाल जो ये गाड़ी है इसको क्रेन के द्वारा उठवाया जा रहा है। और क्या कुछ पूरा हादसा हुआ एक बार जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे थे और कैसे हादसा हुआ? यश अरोड़ा जी। कैसे हादसा हुआ? बस मैं क्रॉस कर रहा था, ट्रक खड़ा था, मुझे जजमेंट हुई नहीं कि ये ट्रक खड़ा है। उसके बाद हाफ ट्रक क्रॉस हो गया था, पिछले वाले टायर से लगा और गाड़ी घूम गई मेरी। गाड़ी तो ये देखो ना, कोई डिपर वगैरह चल रहे थे? ना, डिपर नहीं, रेड लाइट वगैरह चल रही थी। स्पीड आपकी तेज थी या? नहीं नहीं, 40-60 के करीब। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? यमुनानगर से दिल्ली जा रहा। आप चोट वगैरह तो नहीं लगी? अकेले थे आप? हाँ, मैं कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस। आप देख सकते हैं कि हादसा बहुत ही बुरे तरीके से हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रक है। सर, ये गाड़ी इस साइड से लगी है, हादसा कैसे हुआ? ये ऐसे गाड़ी घूम गई ना, जब घूम गई उस पर लगने के बाद गाड़ी घूम जाती है, देखिए लगने के बाद। फिलहाल जो ड्राइवर है, यश अरोड़ा नाम बता रहे हैं यमुनानगर से, फिलहाल उनका बचाव हो गया। HR 15G 0100 नंबर है। जो ड्राइवर है, ड्राइवर मौके पर मिल गया था या भाग गया? मुझे पता ही नहीं ड्राइवर था कौन। पुलिस खड़ी है यहाँ पे, मैंने पूछा ही नहीं कौन ड्राइवर है कौन नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो हादसा है वो ज़रूर हुआ है, हालांकि गाड़ी का ज़रूर नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चला रहे थे, यश जी हैं, यमुनानगर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे और रास्ते में ये हादसा करनाल के तरावड़ी में हो जाता है। तरावड़ी के बिल्कुल सामने की ये तस्वीरें हैं। और फिलहाल जो क्रेन है वो लेकर जा रही है इस गाड़ी को, और अब जाहिर तौर पर एजेंसी पर जाकर जो गाड़ी है उसे ठीक करवाया जाएगा। भैया, क्या सूचना मिली थी आपको, आए हैं आप यहाँ पर? मेरे पास पुलिस वाले का फ़ोन गया था जी, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी उठानी है, सड़क के बीच में पड़ी हुई है। करनाल से लेके? नहीं, तरावड़ी से। क्या क्या हालत थी जब पहुंचे यहाँ पे? ये बीच में पड़ी थी सड़क के, ये था कि साइड में करी, तो इसको जोड़ के ले जाए। हाँ, नुकसान हो रहा, गाड़ी दोनों पास खराब है। पुष्पिंदर सिंह, पुष्पिंदर है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस के दो मुलाजिम वहाँ पर भी खड़े हैं। जो ये ट्रक है, इसी खड़े हुए ट्रक के अंदर किस तरह से गाड़ी लगती है, ये कोई पहला हादसा नहीं है। इस तरह से लगातार जो हादसे हैं वो होते रहते हैं, और खड़े हुए ट्रक के अंदर कार लगी है। हालांकि सवाल यहाँ पर ये देखिए, पड़कच्चे किस तरह से जो कार है उसके उड़ गए हैं, जो तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी का सामान है वो भी पड़ा हुआ है। सर, आप पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या कुछ जानकारी मिली थी? जानकारी तो ऐसा है, इसको ओवरटेक करते हुए मिस बैलेंस हुई इससे जी। हाँ, बाकी इसका कसूर तो है, कसूर है। हाँ, खड़ी हुई थी, खड़ी नहीं कर सकते ना यहाँ। हाँ जी, देखने जा रहे हैं अंदर इसको। ड्राइवर वगैरह आया अभी तक? ड्राइवर यहाँ खड़ा करके बोलते हैं, अंदर कोई किराया वगैरह लेने के लिए गया, उसको देखने के लिए गए हैं, इसलिए खड़े हैं हम जी। तो कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो देखो, अगर करवाता है तो कार्रवाई होगी, 100% करेंगे। गाड़ी बता रहे हैं कि एक्सीडेंट गया बिल्कुल सड़क के बीचों बीच आ गई थी। नहीं, ऐसा आए तो हम अभी, ये तो बाद में आए थे, उस टाइम ये मतलब इससे थोड़ा टकराई है, ओवरटेक करते हुए टकराई है इसे। तरावड़ी थाने से आया? तरावड़ी थाना से। जो भी कार्रवाई, शिकायत देते तो की जाएगी? शिकायत देंगे तो 100% करेंगे। तो सर कहेंगे कि जिस तरह से ट्रैफिक नियमों की लोग पालना नहीं करते, ज़्यादातर हादसे तो इसी वजह से हुए। हाँ हाँ, इसी वजह से होते हैं, इनको रात को भी बोलते हैं लेकिन फिर भी कहने के बावजूद भी खड़ा करते हैं। कार ड्राइवर बच गई? कार ड्राइवर यही तो है, चोट तो नहीं लगी? ना ना ना, ये जो खड़ा है ना जी, यही है, यही थे। अकेले थे गाड़ी? अकेले थे, अकेले थे गाड़ी में। और फिलहाल जो है राजस्थान नंबर ट्रक है, आप देख सकते हैं RJ 52GA 3288। और खुद जो पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से गलती इसकी ज़रूर है, क्योंकि बीच में ही गाड़ी खड़ी कर किस तरह से ये निकले हैं। जो वो गाड़ी सामने से आ रही थी, फिलहाल ओवरटेक करते हुए ये जो हादसा है वो हुआ है। और हादसा कितना ज़बरदस्त है वो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि देखिए ट्रक को एक खरोंच तक नहीं आई है,
ट्रक को एक खरोंच तक नहीं आई हुई है और खड़े हुए ट्रक पे किस तरह से हादसा हो जाता है आप देखिए, किस तरह से कितना हैवी ट्रैफिक इस समय चल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज करनाल में जो किसान हैं उन्होंने जाम लगा रखा था, तो जो बड़ी गाड़ियां थी, छोटी गाड़ियां थी, काफ़ी गाड़ियां रुकी भी हुई थी पीछे, और ऐसे में जो ये हादसा है वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो ये ट्रक है, ये ट्रक सड़क के बीच में खड़ा हुआ है और देखिए जो लेन बनाई गई है टू व्हीलर्स के लिए उसके ऊपर खड़ा है और इसी वजह से ये पूरे का पूरा हादसा हुआ। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। देखिए ट्रक को एक खरोंच तक नहीं आई हुई है और किस तरह से पूरे का पूरे जो गाड़ी है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है यहाँ पर देखिए, कुछ ज़रूर नुकसान ट्रक का हुआ हल्का सा, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए तेल का जो ये टैंकर है इसमें भी टक्कर लगी है। अगर ये टैंकर फट जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग समझ सकते हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। ये वो ट्रक है जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा जो हादसा है वो हुआ है और ट्रक ड्राइवर अभी तक देखिए हादसा हो चुका है, गाड़ी को साइड पर किया जा चुका है, क्रेन मौके पर आ चुकी है, लेकिन अभी तक ट्रक ड्राइवर मौके पर नहीं आया। जैसा कि जो पुलिस मुलाजिम है उन्होंने बताया कि हम काफ़ी देर से ट्रक ड्राइवर की वेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रक अभी तक मौके, जो ट्रक ड्राइवर है वो मौके पर अभी तक नहीं आया। फिलहाल जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो और पुलिस कर्मचारी आपस में बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ वो कहेंगे, क्या पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई करवाएंगे या फिर इसी तरह से जो मामला है ये रह जाएगा। सर पुलिस में शिकायत देंगे कोई? क्या शिकायत देंगे, बचाव हो गया इतना बहुत है, यही खुद थे इसमें, बचाव हो गया इसी वजह से। और फिलहाल जो क्रेन है वो कार को लेकर जा रही है। आप सभी लोगों से अपील, दोस्तों बार बार मैं हर बार ये बात शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें शेयर करने से कम बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाती है। देखिए हादसा कितना ज़बरदस्त था कि दोनों एयर बैग भी जो गाड़ी के हैं खुल गए हैं और फिलहाल जो क्रेन है उसने कार को अपने साथ लोड कर लिया और अब इसे यहाँ से ले जाया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें करनाल के तरावड़ी से आप देख रहे हैं जहाँ पर एक कार बहुत ही बुरे तरीके से हादसे का शिकार हुई है और कहीं ना कहीं जो ये हादसा है ये एक सबक भी देता है कि जो वाहन लेफ्ट साइड से यानी कि ओवरटेक करते हैं उनके लिए ये बड़ा सबक ज़रूर है कि लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करते हुए जो ये पूरा हादसा है वो हुआ है और फिलहाल गाड़ी को ले जाया जा रहा है और किस तरह से ये हादसा हो जाता है वो हमने आपको बता दिया। जो यमुना नगर के ड्राइवर थे फिलहाल अब गाड़ी को करनाल की जो मारुति एजेंसी है वहाँ पर ले जाया जाएगा और करनाल से दिल्ली की तरफ ये जा रहे थे। दोनों एयर बैग आप देख सकते हैं मारुति के खुल गए हैं, बचाव सवारी का ज़रूर हो गया लेकिन कहीं ना कहीं हादसा अपने आप में ज़बरदस्त ज़रूर है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल के तरावड़ी से आप सभी के साथ लाइव। जब भी हाईवे पर निकलें ध्यान रखें, सुरक्षित रहें क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये हादसे हैं हमें एक बड़ा सबक ज़रूर देते हैं। धन्यवाद।